हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गोभी अनियन का परांठा, जो कि हम बनाएंगे लिक्विड डो के साथ। नो रोलिंग, नो नीडिंग, नो मेकिंग द डो। तो बहुत ही ईजी रेसिपी है, हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 1.5 कप्स ऑफ ऑल जो नॉर्मल हमारा आटा होता है वो लिया है। उसमें मैं बस मसाले डाल रही हूँ। 1/2 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1/2 टीस्पून मैंने गरम मसाला डाला है। हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और थोड़ी सी मैंने इसमें अजवाइन डाली है। और अब इसमें मैं गोभी डाल रही हूँ, जिसका मैंने पानी निकाल लिया है अच्छे से ग्रेट करने के बाद। और इसमें फाइनली चॉप्ड मैं एक ग्रीन चिली ऐड कर रही हूँ, और एक फाइनली चॉप्ड मैंने इसमें अनियन ऐड कर दिया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे धनिया भी डाला है, तो कलर बहुत अच्छा आता है धनिया डालने से, और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है परांठों में। बहुत ही ईजी रेसिपी है ये। इसको बस ना गूंदने की ज़रूरत है आटा, ना फिर आपको रोटी बेलने की ज़रूरत है। फटाफट बनाइए और खाइए। इट्स लाइक सुपर इजी। जिनको भी आटा गूंदना नहीं पसंद है उनके लिए तो लाइफ सेवर है ये रेसिपी। और मैंने यहाँ पे नमक डाल दिया है अकॉर्डिंग टू द टेस्ट। और एवरीथिंग इज़ डन। और अब मैं इसमें धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करती जाऊँगी, और इसको एक थिक कंसिस्टेंसी के बैटर में बना लूँगी। हम इसको बहुत रनी कंसिस्टेंसी में नहीं बनाएंगे। तो मैंने 1.5 कप्स ऑफ फ्लार लिया था, आटा लिया था, और बाकी सब डालने के बाद इसमें मेरे को 1.5 कप्स के करीब ही पानी की नीड पड़ी थी इसका बैटर तैयार करने के लिए। तो आप अकॉर्डिंगली बस मैं आपको दिखाऊंगी कि किस कंसिस्टेंसी का बैटर होना चाहिए, तो उस अकॉर्डिंग ही आप पानी डालिए। और धीरे धीरे करके पानी डालिएगा, ताकि बहुत ज़्यादा रनी एकदम से बैटर ना हो जाए। तो यहाँ पे मैंने कोई भी स्टेप मिस नहीं किया है। आप देख सकते हो कि मैं बस इसको धीरे धीरे बस मिक्स करती जा रही हूँ, और यहाँ पे हमारा बैटर बनके रेडी है। 10 मिनट की रेस्ट के बाद बस यहाँ पे अब हम हमारा पहला परांठा बनाना स्टार्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे नॉनस्टिक पैन लिया है, उस पर थोड़ा सा मैंने घी लगा दिया, उसको स्प्रेड कर दिया अच्छे से पैन पे। और अब ये बैटर जो कि मैं 2.5 लैडल्स के करीब मैंने इसके ऊपर डाल दिया है, नॉर्मल बस हमारे परांठे के साइज़ का ही हम इसको बनाएंगे। तो बस उसको थोड़ा सा थिक में मैंने फैला दिया है, क्योंकि हम इसको बाद में प्रेस भी करेंगे, तो उससे ये क्रिस्पी और थोड़ा सा फ्लैट भी हो जाएगा। तो इसको बहुत पतला नहीं करेंगे ऑलरेडी। और यहाँ पर एक साइड इसकी कुक हो गई है, और इसको मैं पलट दूँगी। देखिए कितनी अच्छी इस पर गोल्डन क्रस्ट आई है, और बिल्कुल परांठे वाला कलर ब्राउन इस पर आ गया है। हम दूसरी साइड से भी इसको सिमिलर वे में थोड़ा थोड़ा प्रेस करते हुए दबा लेंगे। आप इसमें कोई भी फिलिंग ऐड कर सकते हो, ग्रेटेड पटेटोज या मूली या कल्ले अनियन या ओनली गार्लिक, कोई भी तरह का फ्लेवर आप बना सकते हो। और यहाँ पे हमारा परांठा बनके रेडी है। इसको मैंने अचार दही के साथ सर्व किया है, और सच एन ईजी एंड सुपरबली डिलीशियस रेसिपी। Do try this at home and let me know how you like it. And don't forget to like and subscribe to my channel, guys. I hope to see you guys next time. Thank you for watching. Bye-bye.